Assalamualaikum. This is Ms. Nimra from Government Assam Model School, New Karachi. Today I am going to start our first lecture, Class 2 English. Chapter number 1, My Home. उनके सवाल थे. सही है? सबसे पहला सवाल है, How many rooms are there in your home? सवाल का मतलब है, आपके घर में कितने कमरे हैं? ठीक है? तो आपके घर में जितने भी कमरे हैं 2, 3, 4, 5 आप लिख सकते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ 3 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं. There are 3 rooms in my home. Your की जगह क्या आ जाएगा? My मतलब मेरे घर में 3 कमरे हैं. ठीक है, सवाल नंबर 2 है, What are the things that can be found in your home? आपके घर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? ठीक है, जो भी आपको आसान लगे लिखना और आप देखते हैं आपके घर में ये चीज है, ये चीज है, आप लिख सकते हैं. जरूरी नहीं ये लिखे, आप जो भी आपको आसान हो लिख सकते हैं. नंबर 1 है बेड, नंबर 2 चेयर, नंबर 3 कबर्ड, नंबर 4 कप, नंबर 5 सोफा. एनी 5 थिंग्स लिख सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू यू कीप योर होम क्लीन? आप अपने घर को कैसे साफ रख सकते हैं? ठीक है, नंबर 1 थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन. कचरे को डस्टबिन में फेंककर, जब आप कचरा डस्टबिन में फेंकेंगे आपको घर खुद ब खुद अच्छा और साफ लगेगा. ठीक है, नंबर 2 क्लीन योर होम डेली. और घर की सफाई सुथराई रोजाना होनी चाहिए, उससे भी आपका घर कैसा लगता है? साफ लगता है. नंबर 3 कीप ऑल थिंग्स ऑन राइट प्लेस. और जो भी चीजें होती हैं वो उसकी सही जगह पर रखनी चाहिए. मतलब आपने खिलौने लिए तो वो भी आपको कहाँ रखने हैं? जहाँ से आप लोगों ने टॉय वगैरह लिया उसकी जगह पर रखें. कोई भी चीज दिखिए तो वो उनकी जगह पर रखनी चाहिए. ठीक है, नंबर 4 डू यू हेल्प योर मदर इन द किचन. क्या आप अपनी अम्मी की मदद करते हैं कहाँ पर? किचन में बावर्ची खाने में. तो आप लोग लिखेंगे यस आई हेल्प माय मदर इन द किचन. मैं अपनी अम्मी की मदद करती हूँ या करता हूँ बावर्ची खाने में. जिंदाबाद.